हेलो दोस्तों, नशा टाइडिंग्स में आपका स्वागत है। भारतीय रेलवे की लगभग सभी पटरियां खुली हुई है और कहीं से भी कोई बड़ा जानवर अचानक से ट्रेन के सामने आ जाना ये लाजमी है। इस प्रकार की एक्सीडेंट की स्थिति में ट्रेन ड्राइवर क्या करते हैं? क्या उन्हें किसी जानवर को कुचलने में मज़ा आता है या फिर ट्रेन के लेट होने के डर से वे ट्रेन रोकते ही नहीं हैं और जानवर को कुचल कर सीधे आगे बढ़ जाते हैं, या फिर वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते? चलिए जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। इसमें दो प्रकार की स्थिति होती है। पहली स्थिति यह है कि ज़्यादातर जानवरों के सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और वे रेल के चलने की आवाज़ से उन्हें भयानक ट्रेन के आने का आभास हो जाता है और वे पटरी से जल्दी हट भी जाते हैं। दोस्तों, लोको पायलट को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है कि जब भी कोई जानवर ट्रैक क्रॉसिंग कर रहा हो तब हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि ट्रेन के हॉर्न से कई बार जानवर घबरा जाते हैं और वे सीधे ट्रैक की सीध में आ जाते हैं और ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि वे जानवर जो पटरी क्रॉस नहीं करते बल्कि पटरी पर सीधे सीधे ट्रेन की दिशा में चलते रहते हैं, तब ऐसी स्थिति में लोको पायलट को लगातार हॉर्न बजाता रहता है जब तक कि वह जानवर ट्रेन की पटरियों से हट ना जाए। लेकिन वह अपनी स्पीड को कम नहीं करते हैं, क्योंकि 99% जानवर वहां से हट जाते हैं और सिर्फ 1% ही जानवर ऐसे होते हैं जो हटते नहीं है और वह वहीं पर खड़े रहते हैं, और ऐसी स्थिति में वे 1% जानवर ट्रेन से टकरा जाते हैं। जब भी कोई जानवर ट्रेन से टकराता है तब लोको पायलट ट्रेन के एयर प्रेशर पर ध्यान देता है। यदि एयर प्रेशर ठीक हो तो लोको पायलट अपनी फुल स्पीड से आगे निकल जाते हैं। दोस्तों, 1,00,000 केस में सिर्फ 1% में ही यह होता है कि कोई जानवर टकराने के बाद उसके इंजन में फंस जाता है, तब ड्राइवर उस ट्रेन को रोक देता है और फिर दूसरा इंजन बुलाकर रूट को क्लियर करवाया जाता है। इस प्रकार पटरी पर कोई बड़ा जानवर आ जाने पर लोको पायलट और टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर इस प्रकार की समस्या का निपटारा करते हैं।